सो हेलो एवरीवन दिस इज लेक्चर नंबर नाइनटीन ऑफ जी के पी वे की सीरीज पार्ट टू और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन तो चलिए स्टार्ट करते हैं मतलब <laughs> मुझे पता है काफी लोग अभी कमेंट करने वाले खत्म हो गया तब तो बोल रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन अब क्या करें जब याद आएगा तभी बोलेंगे ना तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अ वेल्दी पर्सन इन दी अर्ली वैदिक पीरियड वॉज नोन एज डैश प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनी व्यक्ति को डैश के नाम से जाना जाता था गवेशना द्वित्री गौमत या फिर रवि अर्ली वैदिक पीरियड हड़प्पा के बाद हमारा वैदिक पीरियड चालू हुआ है उसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं अर्ली एंड लेटर अर्ली की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड था रफली फिफ्टीन हंड्रेड बी से लेके थाउजेंड बी सी तक बी सी से क्या आना चाहिए बी सी हमारा क्या है वाटर सेल्यूबल वाइटमिन है अब आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं बट ये दोनों वाटर सेल्यूबल वाइटमीन होते हैं ठीक है अब यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में ना जो कैटल होती थी कैटल मोस्टली काउज के फॉर्म में होती थी और जिसके पास ज़्यादा काउज होती थी वही धनी कंसिडर किया जाता नहीं काउज बहुत इंपॉर्टेंट रोल थी एकदम की रोल प्ले कर रही थी अर्ली वैदिक पीरियड में इनको अघन्य के नाम से जाना जाता था अघन्य तो जिसके पास बहुत ज़्यादा काउज होती थी उसको बोला जाता था गौमत ऑप्शन नंबर थर्ड तो वही रिच और वही वेल्दी पर्सन भी कहलाएगा जिसके पास बहुत सारी नंबर ऑफ काउज होंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे से आंसर होगा बात अगर करें फर्स्ट की दैट इज़ गवेश इट वॉज़ दी सर्च फॉर काउज और बैटल फॉर काउज अगर काउज़ की सर्च हो रहे ढुढ़ाई मच रही है या फिर लड़ाई हो रही है तो उन दोनों को हम गवेशना बोलते थे दुहित्री दूह रही है आपके गांव में बोला होगा ना या फिर कि गाय दूह लाओ भैंस दूह लाओ दूह लाओ का मतलब क्या होता है दूध निकाल लाओ तो इट वॉज़ अ डॉटर जो डॉटर दैट हु यूज हु यूज टू मिल्क दी काउ हु यूज टू मिल्क द काउ वॉज नोन एज दुहित्री रवि की अगर बात करें तो रवि नदी का नाम है और अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारी इंडस और उसकी सेवन मतलब इंडस और उसकी जो बाकी ट्रिब्यूट्रीज हैं उनको मिला के दैट इज इंडन इंडस झेलम चनाब रवि ब्याह सतलज इंडस प्लस ट्रिब्यूटरीज इनको बोला जाता था सप्त सिंधु ठीक है सप्त सिंधु अर्ली वैदिक पीरियड में अगर बात करें हाँ तो वहीं पे ही आपकी ये रावी और बाकी जो रिवर्स है ना अवरदास में आपको पता है कि किस तरह से मेंशन है इनके पुराने नाम क्या हैं तो आई होप सभी को पता होगा बिकॉज हम लोग कर चकर इस पर क्वेश्चन भी आ, आ चुके हैं आपके कई बार एग्जाम में सीजियल दो हज़ार में क्वेश्चन आया है ठीक है और हम लोग पार्ट वन में भी किए थे इसको काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स हम लोग जब भी इंडस या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं तो हम लोग उसको करते ही करते हैं तो फिर से कर लेते हैं इंडस झेलम लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज हमने सारा कुछ कर रखा है इंडस झेलम और जो भी लोग नए लोग हैं तो प्लीज़ प्रोसीड फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम दी लेक्चर फर्स्ट ठीक है स्किप मत करें कोई भी बीच में लेक्चर जनाब रावी ब्यास एंड सतलज तो देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फा, फा, सिक्स ही हो रही हैं ठीक है थीके? तो या इंडस झेलम चेनाब रवि ब्यास सतलज हाँ ठीक है टोटल आपके टीव्यू हैं तो इंडस सिंधु झेलम अस्किनी चेनाब सॉरी झेलम वितास्ता चेनाब अस्किनी रवि पुरुषनी ब्यास बिपाशा सतलज सुतुद्री एस से सतलज एस से सुतुधरी बी से ब्यास बी से बिपाशा रा से रवि और पुरुषनी में भी रा ठीक है इस, इन दोनों को याद कर लो ठीक है कि चार्टेड अकाउंटेंट सी ए और इंडस तो सभी जानते पूछता भी नहीं इसी वैसे सिंधु होता है ठीक है ट्राइबल पॉलिटी थी यहाँ पे और इससे आप वेदास को भी रिकॉल करिए कि हमारा रिग्वेदा ओल्डेस्ट वेद था सबसे पहले बना था वन जीरो एट हाइम्स हैं उसमें फिर सामवेदा जो कि म्यूज़िक के बारे में बताता है हमको फिर हमने देखा था यजुर्वेदा जो कि दो पार्ट में था शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल आपका वाइट और कृष्ण ब्लैक और फिर हमने जो कि बात करा था प्रेयर्स वगैरह की और अथर्ववेद जो हमारे डेली रिचुअल्स और मैजिक्स और स्पेल्स की बात करता है दैट इज़ अथर्ववेद अथर्ववेद का ही आपका पाठ है मुंडका उपनिषद जिसमें कि आपको देखने को मिलता है सत्यमय जैते इस बार का जो जी ट्वेंटी का थीम था दैट वाज व्हाट वसुदेव कुटुंबकम जिसको कि हमने किससे लिया महा उपनिषद से ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ट्राइबल पॉलिटी थी अर्ली वैदिक पीरियड में और जो किंगशिप होती थी यानी जो राजा होता था कि राजा का बेटा राजा मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा दैट वॉज किंगशिप वॉज हेरिडेटरी यहाँ पे दो टर्म्स और मैं आपको बता रहा हूँ इस पर भी क्वेश्चन बन चुके हैं सीसी में दैट इज सभा और समिति क्या होती है अर्ली वैदिक पीठ में सभा और समिति सभा और समिति में अंतर यह है कि दोनों ही मतलब लोग की असेंबली है लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ सेलेक्ट बॉडी ऑफ एल्डर्स सेलेक्ट बॉडी ऑफ एल्डर्स मतलब कि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं मिल रहे हैं और वो एडवाइज़ कर रहे हैं किंग को एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में एडमिनिस्ट्रेटिव से मुझे याद आ रहा है धार कमीशन जिसने ये बोला था 1948 में कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में एडवाइस करने के लिए सभा बनती थी एल्डर्स की ये थी एक आपकी कॉमन पीपल की ठीक है ये कॉमन पीपल की असेंबली होती थी बस आपको यही कीवर्ड याद रखना है कि इसमें सभा में एल्डर्स हैं और समिति में कॉमन पीपल हैं बाकी वही है कि सब ये असेंबली ही है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड दैट इज डैश अनाउंस द दाइफोकेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इन टू सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान डैश ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामिक पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की थी कौन था ये लॉर्ड कर्जन माउंट बैटन लॉर्ड तो पहले हटा दो इनके नाम से कर्जन माउंट बैटन डालाउजी या फिर इसके नाम के आगे लगा सकते हो लॉर्ड रिपन ठीक है आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड लुइस माउंट बैटन नाइनटीन फोर्टी प्लान लाया था पहले एक प्लान लाया एग्री नहीं किए फिर उसके बाद थर्ड जो 1947 को जो प्लान लेके आए रिवाइज प्लान वो उस पर फिर एग्री हो गए इसी यही प्लान पे बेस्ड था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जिसको कि हम प्यार से माउंट बैटन एक्ट भी माउंट बैटन प्लान भी बोल देते हैं इसी को जो माउंट बैटन प्लान था ना इसी को डिक्की बर्ड प्लान बोला जाता है क्या बोला जाता है डिक्की बर्ड प्लान और इसी को ही हम प्लान बालकन भी बोल देते हैं बालकन का मतलब होता है बालकनइजेशन ये जो हमारी बालकन कंट्रीज है ना रशिया रशिया वगैरह पहले यू हुआ करता था फिर उसे डिफरेंट कंट्रीज़ निकली तो उसी से हमें टर्म को लिया बालकन बालकन का मतलब है कंट्रीज़ का डिवीज़न होना तो यहाँ से आपको पता है कि कंट्री डिवाइड हुई जो पूरा अखंड भारत था वो पाकिस्तान यहाँ पे आपका वेस्ट पाकिस्तान निकला जो प्रेजेंट है बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में निकला और ये हमारा इंडिया ठीक है प्रेजेंट डे वैसे तो पूरा सब एक था इंडिया लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान फिर आपको पता है 1971 में हमने ईस्ट पाकिस्तान को दैट इज़ बांग्लादेश को लिबरेट करवाया वेस्ट पाकिस्तान से खैर ये चीज़ आप समझिए कि माउंट बैटन ये प्लान आपका लाया था जिसको हमें डिक्की बर्ड प्लान बोलते हैं डिविजन प्लान था 1947 का इसी के थ्रू आपका बाउंड्री कमीशन भी सेटअप हुआ था अंडर सर साइरेल रेडक्लिफ़ जिसने कि ये इंडिया पाकिस्तान मतलब तब तो पाकिस्तान ही था ना इधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान की बाउंड्री वो करी डिमार्केट करी इसी वजह से हम बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है वो उसको हम रेड लाइन बोलते हैं बिकॉज़ इसी ने ही सर साइरिल रेड के अंडर में बाउंड्री कमीशन का गठन किया था ठीक और माउंट बैटन को हमने पहला अपना गवर्नर जनरल भी बना दिया जिन्ना वहाँ का बन गया पाकिस्तान का हमने एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट इसको बना दिया और ये लास्ट वॉइस रॉय भी था ठीक है लास्ट वॉइस रॉय भी था अब गवर्नर जनरल ऑफ लास्ट ये तो था लेकिन ब्रिटिश लास्ट था फिर हमने एक इंडियन को बना दिया इसको हटा के फिर इंडियन को बना दिया दैट वॉज हमारे सी राजगोपालाचारी लेकिन फिर हमने उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया तो पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये सी राजग ही बने आपके रिपन से क्या क्या याद कर सकते हैं रिपन से याद कर सकते हैं इसको फादर ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लस इन्हों के इन्हीं के टाइम पे हंटर कमीशन आया था रिगार्डिंग एजुकेशन इन्हीं के टाइम पे एलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इन्हीं के टाइम पे ही पहला सिंक्रनाइज सेंसस हुआ था 1881 uh, में ठीक है वैसे तो 1872 में आपका हुआ था 1872 में हुआ था पहला सेंसस बट दैट वॉज नाइज्ड कम्प्लीट सेंसस नहीं था फिर 1881 में आपका में कंप्लीट सिंक्रनाइज सेंसस हुआ था रिपन जी के टाइम पे ठीक इनको फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट बोलते हैं देख चुके हैं अगले कुछ और कर्जन आप जानते हैं कर्जन किसके लिए रिस्पॉसिबल था बंगाल पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, था यह और बंगाल पार्टीशन कब हुआ था जुलाई में तो अनाउंस हुआ था बट अक्टूबर 1905 में हुआ था अक्टूबर की मैंने आपको डेट भी बताई थी कमेंट करके बताइए और डलहौजी से आप जानते हैं डलहौजी से क्या जाना चाहिए डॉक्टर ने फ्लैप झड़प नहीं सतारा सबसे पहले एक्वायर किया था ये वन ऑफ द रीजनस एटीन फिफ्टी रिवोल्ट का इसी के टाइम पर वुड्स डिस्पैच आया था एटीन में जिसको कि मैगनाक कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं बॉम्बे टू थाने एटीन में पहली ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई पोस्टल स्टैम्प की भी सर्विस डलहौजी के टाइम पर ही स्टार्ट हुई थी थर्ड नंबर क्वेश्चन विच वाइटामिन डी एनोलॉग इज यूज टू ट्रीट हाइपो पैराथाइर रिफ्रैक्टरी रिकट एंड फेमिल हाइपोफोसफेटीमिया बताइए रेटिनॉल अर्गो कैलसीफेरॉल टैकेटॉल या फिर टोकोफेरॉल तो आप जानते हैं रेटिनॉल ये वाइटामिन ए का केमिकल नेम है साइंटिफिक नेम है और यहां बात हो रही है वाइटमिन डी की तो आप इसको तुरंत एलिमिनेट कर सकते हैं कैल्सी फेरॉल हम बोलते हैं विटामिन डी को टोको फेरॉल बोलते हैं विटामिन ई e को तो ये भी विटामिन ई e से रिलेटेड है इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर इसका होगा अर्गो कैल्सिफेरॉल और हम लोगों ने अभी रिसेंट में ही जो हम लोग इलेवन वाली क्लास चल रही है उसमें पढ़ा है अभी दैट डजट मीन कि उसको मैंडेट्री लेना लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग वहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं कि इसकी कमी की वजह से आपको क्या होता है बोन्स बोन हेल्थ खराब हो जाती है आपकी हड्डियाँ काफ़ी कमजोर हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें ऑस्टियो नामक डिजीज होती है ऑस्टियो का मतलब होता है ऑस्टियो मतलब बोन्स मेलेसिया मतलब सॉफ्ट यानी हमें सॉफ्ट बोन का प्रॉब्लम हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है ऑस्टियोपोरोसिस में मतलब बहुत ही फीबल बहुत ही वीक आपकी बोन हो जाएंगी ऑस्टियो प्रोसेस विटामिन डी की अगर बात करें तो प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है अबंडेंट मात्रा में ये हमें नेचुरली सनलाइट से मिलता है ठीक है जब हम सनलाइट में बैठते हैं धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी का सिंथेसिस करती है हमारी बॉडी जिससे कि हमारी बोन हेल्थ अच्छी होती है और फिश ऑयल जो होता है ठीक है मछली का तेल उसमें हमें देखने को मिलता है बात कर लेते हैं बाकी विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल क्या होता है इससे बीमारी क्या होती है रतौंधी हो जाती है जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेराप रियात कैसे रखेंगे रात मतलब नाइट ब्लाइंडनेस रत ऑन दी रत रत रात में नहीं दिखता ठीक है विटामिन डी कैल्सियरॉल विटामिन ए टोकोफ़ेरॉल स्प्राउट्स में बहुत देखने को मिलता है ये हमें स्प्राउट्स में ठीक है और ए क्या देखने को मिलता है जैसे कि आपके मैंगो हो गया ठीक है कैरेट हो गया एप्पल हो गया इन सब में देखने को मिलता है वाइटमिन ए ठीक है वाइटामिन ए स्प्राउट्स में डी बता दिया मैंने आपको के होता है फिलॉक्यू इसका केमिकल नेम होता है और अगर ये आपके बॉडी में नहीं हुआ तो फिर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी और फिर आपको हो जाएगी दिक्कत ठीक है तो ब्लड क्लॉटिंग अगर आपको करवानी ढंग से तो वाइटामिन के होना चाहिए आपकी बॉडी में अब बी जो होता है ना बी बी को देखने से पहले सी देख लेते हैं इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं ये वा एस्कॉर्बिक एसिड डैट इज वाइटमिन सी हमें देखने को मिलता है जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें भर भर के देखने को मिलता है ये हमें जैसे कि लेमन हो गया आंला हो गया दैट इज़ इंडियन गूसबेरी उसमें काफ़ी देखने को मिलता है विटामिन बी जो होता है इसके आठ कॉम्प्लेक्सेज होते हैं बी वन से लेके बी बारह तक अब बी वन से लेके बी बारह तक है दैट डजन मीन कि बारह कॉम्प्लेक्सेज हैं इसके इसके सिर्फ आठ कॉम्पलेक्सेज होते हैं कुछ मिसिंग है चार मिसिंग है आठ आठ मिसिंग है दस ग्यारह मिसिंग है ठीक तो यहाँ पे जो बी होता है उसको थाइमीन बोलते हैं इसकी हम लोगों ने ट्रिक भी देखी थी कि जो थॉर है इस तरह से याद कर सकते हैं थॉर ठीक है थॉर ने अपने पैंट पर ठीक है वो अपनी चलो बस इतना भी याद रहोगे ना तो बस याद हो जाएगा काफ़ी ठीक है कि थॉर ने अपनी पैंट पर बस वैसे थॉर ने अपनी पैंट पर बायोडेटा लिखवाया था ठीक है इसकी गर्लफ्रेंड थी फॉस्टर का तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि बी वन थाइम बी टू आपका आइवोफ इलेवन बी थ्री नाइसिन बी फाइव पेंटाथोनिक वैसे फाइव लगा वो फाइव का मतलब पेंटा ही होता है फिर पेंटा का मतलब फाइव होता है बी सिक्स पिरोटॉक्सीन बी सेवन बाई टू बी नाइन फोलिक एसिड बी ट्वेल्व साइनोकोबालामीन बायोटिन को प्यार से विटामिन एच भी बोल देते हैं ठीक है वाइटामिन एच भी बोल देते हैं वाइटमिन आपके दो कैटेगरी में क्लासीफाई किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलिबिलिटी अगर हम बात करें वाटर सोल्यूबल वाइटमिनस तो वाटर सोल्यूबल में आ जाते हैं आपके बी सी और जो बाकी के बच गए वो सारे आ जाते हैं आपके फैट सोल्यूबल में यानी वसा में जो घुलनशील होते हैं तो वसा में जो घुलनशील होते हैं और वसा घुलनशील से याद आया अगर कोई प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कोई हिंदी में नोट्स बना रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए आई विल कॉन्टैक्ट यू प्लीज प्लीज़ प्लीज हाँ जोड़ के विनती है आपसे ठीक है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं नीड में कीड़ा करके ठीक है के वाइटमिन के ई डी ए आपके फैट सॉल्यूबल वाइटमिन हैं वाइटमिनस की डिस्कवरी करी थी मतलब या फिर वाइटमिन नाम दिया था नाइनटीन में कैसेमिर फंक ने कैसीमिर फंक ने नाम दिया था नाइनटीन हंड्रेड में ये चीज़ याद रखिएगा और कौन सा हमारा विटामिन होता है जो सेल के डिवीजन या फिर सेल के रीजनरेशन में हेल्प करता है ध्यान रखना अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो आंसर होगा विटामिन नंबर ई ठीक है सेल डिवीजन वगैरह में ये हेल्प करता है ठीक है और जिंक भी हमारा एक माइक्रो माइक्रो न्यूट्रियट होता है माइक्रो न्यूट्रियट जो सेल डिवीजन वगैरह में ये भी हेल्प करता है हमारा ठीक है माइक्रोन माइक्रोज में क्या आते हैं माइक्रो न्यूट्रियट में आते हैं हमारे कार्ब फैट एंड प्रोटीन्स ये आते हैं माइक्रोव में माइक्रोज में इसको छोड़ के जितने भी वाइटमिनस एंड मिनरल्स हैं वो सब हमारे माइक्रो में आते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर वहीं अपने प्लांट की बात करें तो प्लांट के लिए माइक्रो ये होते हैं देखो एन पी के एन का मतलब नाइट्रोजन पी का मतलब फॉस्फोरस के से आपका पोटेशियम हो गया एन पी के हो गया कैल्शियम हो गया मैग्नीशियम हो गया सल्फर हो गया ठीक है ये सारे होते हैं हमारे क्या हाइड्रोजन हो गया कार्बन हो गया हाइड्रोजन हो गया कार्बन हो गया ये सब माइक्रो होते हैं इनको छोड़ के आयरन वगैरह सब कुछ आयरन जिंक ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं हु अमंग फॉलोइंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बैग दी बेस्ट एक्ट्रेसेज अवार्ड फॉर मीना गुर्जरी नाइनटीन सेवेंटी फाइव निम्नलिखित प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में से किसने उन्नीस सौ पचहत्तर में मीना मीना से पता नहीं सीमा याद आ रही है सीमा से याद आ रहा है लप्पू साह झींग गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता सोनल मान सिंह मल्लिका सारा भाई शोभना नारायण और या फिर सितारा देवी तो मीना गुर्जरी इन 1975 सेवेंटी अवार्ड मिला हमारी मल्लिका सारा भाई जी को जुमरे नालनी सारा भाई और हमारे विक्रम सारा भाई जी की बेटी हैं किस डांस से रिलेटेड हैं ये भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड्डी से रिलेटेड हैं भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड्डी और हमारे और कौन सी एक डांसर हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो है हमारी सोनल मानसिंह बिल्कुल नहीं क्योंकि <laughs> सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से रिलेटेड हैं ये हैं हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति ठीक है यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं जो भरतनाट्यम और कुचिपुडी दोनों से रिलेटेड हैं सोनल मान सिंह की अगर बात करें ये भरतनाट्यम प्लस जो ओडीसी है उससे रिलेटेड है शोभना नारायण और सितारा देवी दोनों लोग किससे रिलेटेड हैं आपके कथक से याद करिए जब हम लोगों ने ट्रिक देखी थी और जिन लोगों को भी कोई भी ट्रिक देखनी कुचीपुडी कथक की मैं डाल चुका हूँ भरतनाट्यम की डाल चुका हूँ आप सीधे सर्च करिए भरतनाट्यम परमारस एस्सी आपको ट्रिक में एक मिनट का शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा उसमें मैंने पूरा ट्रिक के साथ बता रखा है तो हम लोगों ने अगर आपको याद हो अरे महाराज एक हमारा दोस्त था अतीस था अरे उससे हमने बोला कि अरे महाराज नारायण की और देवी की पूजा करो ठीक है सब आ, और लखपति बनोगे विद्या मिलेगी और सब मंगली मंगल ही मंगल होगा तो महाराज से बिरजू महाराज लच्छू महाराज वो महाराज फैमिली हो गई ठीक है नारायण और देवी में आस्था रखो तो नारायण से शोभना नारायण और देवी से सितारा देवी आस्था से आ, आपकी कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना जो आ, अस्थाना सिस्टस है हमारी और विद्या से विद्या गौरी अड्डकर और लखपति से कुमुदनी लखिया और मंगल से अदिति मंगल दास सारे याद हो गए कथक से जो कि यूपी का क्लासिकल डांस है ख़त्म आगे बढ़ते हैं और मेरे सारा भाई की जी की अगर बात करें मृनालिनी सारा भाई तो वो किससे रिलेटेड है आपकी तो मृलानिनी सारा भाई हमारी भरतनाट्यम प्लस और कौन सा है अपने आप से जल्दी जल्दी रिकॉल किया करो उनसे फास्ट जल्दी से ठीक है ताकि तो खुद का मैच करवा सको कि सही रिकॉल किया कि नहीं किया है ना तो भरतनाट्यम और ये हमारे रिलेटेड है कथक कली से है ना जो कि केरल का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम कहाँ का है तमिलनाडु का कथक कली है केरल का ये सब जानते होंगे भरतनाट्यम एक हार सादीर याद आना चाहिए नाट्यशास्त्र भरत मुनि खत्म आगे बढ़ते हैं फिफ्थ फ्रॉम विच लैटिन वर्ड इज द एस ब्लॉक एलिमेंट कैल्शियम डिराइव एक ब्लॉक तत्व कैल्शियम किस लैटिन शब्द से लिया गया है कैलम या फिर कैल्स एस ब्लॉक एलिमेंट तो जो हमारी पीरियडिक टेबल है टेबल बोलते ही सबसे पहले क्या नर चाहिए सौ सत्रह ठीक है जहां पे लॉफ ट्राइड दिया था न्यू न्यूलैंड लॉफ ऑक्टेव दिया था जो म्यूजिकल नोट पे बेस्ड था सारे गामा पादा नी सारे गामा पादा नी सारे तो वो क्या है एक के बाद आठवें में रिपीट होने लगता है उसी तरह ये हमारी प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रही थी एक से लेके मतलब जो पहले वाली की प्रॉपर्टी थी वही आठवें वाली की प्रॉपर्टी थी तो ये न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव जो कि म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था ये 1865 में दिया गया फिर मैंव जिन्हें एट्टीन सिक्सटी नाइन मेमरी प्रियडिक टेबल दी ये सब कुछ हम लोग लिख चुके हैं अठारह में दिया और उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल मॉजले ने दी उन्नीस में ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ये जो पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक ये है हमारा पी ब्लॉक ये हमारा डी ब्लॉक जो एस ब्लॉक है यहाँ पे आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं मेटल्स अब यहाँ पे आपका देखो हीलियम भी दिख रहा है हीलियम एक्चुअल में यहाँ पे होता है ठीक है यहाँ पे मतलब प्रेडिटेबल में ब्लॉक वाइज डिवाइडेड है एक्चुअल में हीलियम यहाँ पर होता है बट उस क्योंकि जो हीलियम होता है वो एस ब्लॉक में ही आता है ठीक है तो क्योंकि वो राइट साइड में बैठा हुआ था तो इसको यहाँ पे बिठा के बोल दिया क्योंकि मतलब इसको बोला गया था कि आज क्लास में तुम्हारा जिक्र होने वाला है तो सभी लोग एक साथ आ जाओ ठीक है तो एस ब्लॉक में हमारे ये हो गया जो डी ब्लॉक होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स ठीक है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स वहीं जो एफ ब्लॉक है ना इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स इनर ट्रांजिशन मेटल्स इसमें आते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स लैंथेनॉइड्स में टोटल पंद्रह एलिमेंट एक्टिनॉइड्स में टोटल पंद्रह एलिमेंट टोटल तीस इनर ट्रांजिशन मेटल हो जाते हैं लेंथेनाइट की अगर बात करें तो ये फिफ्टी एट अटामिक नंबर से लेके सेवेंटी वन तक जाता है वहीं एक्टीनाइट्स की अगर बात करें तो एट्टी नाइन से लेके जाता है वन जीरो थ्री तक ये चीज़ आपको याद रखनी है तो आंसर यहाँ पे होगा एस ब्लॉक एलिमेंट का जो कैल्शियम है उसका डिराइव है फ्रॉम दी कैल्स सी ए एल एक्स अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर दैट इज़ और क्वेश्चन आपके लिए मैंडलीवियम मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ बिकॉज ये सी जल में भी आया सी जल में भी आया फिर अभी ये रिसेंट में सी एच एस में भी आया ठीक है मैंडलीवियम वन है इसका टॉमिक नंबर सी बॉजियम का कितना है ठीक है सी बोर्जियम और मंडलीवियम पीछा नहीं छोड़ रही है सिक्स नंबर उर्मिला सत्यनारायण इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच आर द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस फॉर्म उर्मिला सत्यनारायण जी की बात हो रही है अब कुछ लोगों को सत्यनारायण जी की कथा याद आ सकती है कथा में पूड़ी खाई थी कुची पूड़ी याद आ सकता है है ना बट कुपूड़ी तो ऑप्शन में नहीं है तो याद करिए वहां पे मैंने उर्मिला सत्यनारायण नहीं बताया था वहां पे मैंने बताया था वेदांतम सत्यनारायण ठीक है वेदांतम सत्य नारायणन ठीक है तो वो वहाँ पे कुचिपुडी से रिलेटेड थे बट उर्मिला सत्यनारायण जी जो है हमारी ये रिलेटेड हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाट्यम से ऑप्शन नंबर फर्स्ट बात अगर करें मणिपुरी की तो याद आना चाहिए जागोई चोलोम मैटी ट्राइब याद आना चाहिए आपको झावेरी सिस्टर्स है ना झावे दर्शन झावेरी और याद आना चाहिए आपको गुरु बिपिन सिंह जो कि गुरु कहे जाते हैं मणिपुरी के और इनको हंजाबा का टाइटल भी मिला था ठीक है भाई दी किंग ऑफ मणिपुर मणिपुरी जो आपका डांस है ये आपका वैष्णवाइट फॉर्म का है इसको रासलीला के नाम से भी जाना जाता है मणिपुरी रासलीला वैष्णवाइट फॉर्म का डांस है इसी से आपको याद आना चाहिए हमारे चारू माथुर भी चारू माथुर भी रिलेटेड हैं जावेरी सिस्टर तो ठीक है आपको पता है जावेरी सिस्टर अब याद हो गया विपिन सिंह रट गया अब दो और नाम रटो माथुर और देवयानी चालिया ठीक है चारू चालिया चारू चालिया चारू माथुर और देवयानी चालिया ठीक है देवयानी चालिया बस वहाँ पे थोड़ा सा भी याद रहा ना तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा थोड़ा सतरिया पे बात कर लेते हैं ज़्यादा हम लोगों ने इस पे चर्चा करी नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है सत्तरिया की अगर बात करें असम का डांस है ये ठीक है असम का वन और वन ऑफ दी लास्ट जो क्लासिकल डांसेस में इंक्लूड किया गया है असम का है और ये अगेन आपका वैश्णाइट फॉर्म का डांस है वैश्णाइट डांस है और और क्या जाना चाहिए गुरु शंकर देव इसके गुरु माने जाते हैं फादर कहे जाते हैं सत्तरिया के गुरु शंकर देव दो टर्म याद रखिएगा इससे भावना और अंकिया नाट भावना और अंकिया नाट ये दो टर्म्स याद रखिएगा और इससे एक इसके एक्सपोनेंट में दो बता रहा हूँ अभी के लिए उनको याद रखिएगा एक तो है जतिन गोस्वामी इससे उतना ज्यादा एक्सपोनेंट नहीं पूछता है जितने कि ये बाकी चीजें असम वैष्णवाइट गुरुशंकर देव और भावना और अंकिया नाट इतना भी कर लोगे ना इसी से बस क्वेश्चन पूछा था चार पांच चीजों से जतिन गोस्वामी और भूपेन हजारिका भूपेन हजारी का इनको भारत रत्न भी मिल चुका है ठीक है प्रणब मुखर्जी की जे साथ है ना जब दोनों लोगों को पोस्ट मसले मिला था तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर फर्स्ट हो जाएगा कथक सभी अभी देख रहे हैं वेदांतम सत्यनारायण से कुची पुडी याद क्या था कुी पुडी से क्या जाना चाहिए राजा रेड्डी राधा रेड्डी सारा रेड्डी मतलब रड्डी मतलब कच्ची मतलब पुड्डी और फिर हम लोगों ने कुछ कुच्ची पुडी में याद किया था कि सत्यनारायण की कथा में सतीश अपर्णा सतीशम कच्ची पुडी खाई थी शोभा किसके साथ खाई थी शोभा नायडू के साथ खाई थी है ना जो सुंदर सी लड़की थी शोभा उसके साथ और हमारे हलीम खान याद करो राजपाल यादव है ना याद आया अगले क्वेश्चन पे आते हैं सेवन्थ ड्यूरिंग विच पीरियड डिड कुतुबुद्दीन एबक रूल कुतुबुद्दीन एबक ने किस काल में शासन किया था ऑप्शन आपके सामने हैं आपको पता है कि ट्वेल्व जीरो सिक्स में ए डी में स्लेव डायनेस्टी हमारी या फिर मामलुक वंश इसको बोलते हैं इस्टब्लिश हुई थी मामलु वंश बोलते हैं बारह सौ छः ए डी में कैसे इस्टेब्लिश हुई थी आपको पता है जब मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था एलेवन नाइन 1191 और 1192 अगर आपको याद हो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हार गया मोहम्मद गौरी 1192 जीत गया मोहम्मद गौरी किसको हराया पृथ्वीराज चौहान को नहीं पृथ्वीराज चौहान नॉर्मल लोग बोलते हैं हम लोग बोलेंगे पृथ्वीराज थर्ड बिकॉज एस में पृथ्वीराज चौहान ने लिख किया था पृथ्वीराज थर्ड लिख के आता है तो बारह से लेके बारह सौ तक इन्होंने रूल किया था जिसने कुुतुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा बारह सौ छः ही स्लेव डायनेस्टी बनी अब स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं बिकॉज आपको पता है इसमें जितने भी ज्यादा रूलर्स थे वो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनवाई थी उनको याद रखिएगा जरा एक तो इस्लाम बनवाया था इसने ठीक है कुत्तुल इस्लाम बनवाया था कहाँ पर ये जो ये है ना आपका कुतुब मीनार उसी में तो कुतुब मीनार का भी इसी ने काम चालू करवाया था लेकिन ये तो सबको पता होता है यूजुअली ये कुतुब मीनार का काम इसी ने चालू करवाया था फिर इसके जो दामाद इल्तुतमिश वो इल्तुतमिश इसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक देख रहे हो मतलब दामाद बन गया स्लेव था दामाद बन गया मोटिवेशन लो लड़के से कुुबुद्दीन कुतुब, कुतुब मीनार में ही बना हुआ कुतुब कुतुब मीनार का फिर जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और फिर एक ऊपर का जो माला बोल सकते हो आप उसको फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट करवाया था लास्ट में एक मतलब बिजली कड़कने की वैसे वो टूट गया था तो फ़िरोज शाह तुगलक ने उसको कंप्लीट करवाया था फिर ऊपर का सबसे ठीक है जो वाइट कलर का आप देखते हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका एक और बनाया था दैट इज़ अढ़ाई दिन का झोपड़ा बट ये दिल्ली में नहीं बनवाया था ये बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा ठीक है ये बनवाया था जयपुर में ठीक है जयपुर में बनाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुछ आप रिकॉल कर सकते हैं कुतुबुद्दीन से नहीं अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बाकियों का क्या क्या रूल रहा तो अल्तुतमिश की अगर बात करें अल्तुतमिश जिसने कि तुर्कान चहलगानी सिस्टम लाया सिल्वर टंका कॉपर और जीतल ठीक है क्या याद करना हमें तुर्कान चहलगानी ये तुर्कान चहलगानी क्या था ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स थे टर्किश स्लेव्स या फिर नॉन टर्किश भी इसी में थे ठीक है और इसने स्टार्ट किया आपका सिल्वर टंका यह सिल्वर था मोहम्मद बिन तुगलक ने भी स्टार्ट किया था ध्यान रखिएगा सीजल 2023 में उसने दिया पूछा और अल तो ऑप्शन में नहीं था ठीक है तो सिल्वर टंका और कॉपर जीतल कॉपर का जीतल था और ये ध्यान रखना ये एम ने भी स्टार्ट करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कब कब से कब रूल किया इसने इसने रूल किया था आपका 1211 क्योंकि 1206 से लेकर 1210 में कुतुबुद्दीन में थे इनके ससुर जी फिर 1211 से लेकर 1236 सौ एडी तक अल्तुत्मिश था फिर इसके बाद इनकी बेटी रजिया सुल्तान हु इज दी फर्स्ट वेमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया 1236 से लेकर 1240 शॉर्ट टेन्योर था बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी और बर्बन जैसे जो कुछ लोग थे रूल करने नहीं दिया ढंग से काफ़ी एबल रूलर तो थी लेकिन रूल नहीं कर दिया करने दिया बलबन ठीक है बलबन और बाकी लोग भी मतलब पच नहीं रही थी उनको बात कि एक लेडी रूल कर रही है बारह से लेकर बारह 40 चालीस से पैंसठ के बीच में इस समय कहाँ गया बलबन ने कुछ ऐसे ही अपने पपेट रूलर्स को वहाँ पे बैठाया फिर ये बारह में डायनेस्टी एक्चुअल में हो जाती है ख़त्म बारह में इसको मामलूक वंश ख़त्म उसके बाद आता है खिलजी अब यहाँ पे खिलजी में डीप में नहीं जा रहे हैं बस ये देख लो कि खिलजी आपका चलता है बारह से लेके फिर बारह से लेके तेरह तक ठीक है इसके बाद आता है आपका तुगलक तुगलक यासद्दन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक तेरह से या फिर तेरह से लेकर चौदह तक फिर आती है आपकी सैयद डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी आपकी चलती है चौदह सौ से लेके 1450 से तक और आखिरी में आती है लोदी डायनेस्टी वो रन करती है आपकी चौदह सौ इक्यावन से, 15 से लेके 1526 सौ का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है बाबर और मुगल वंश की स्थापना कर देता है मुगल डायनेस्टी की दि स्यूटेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंसनिंग इज़ गुड फॉर पोस्ट टेंसनिंग की उपयोगता इसके लिए अच्छी है क्वेश्चन आपको समझ में आया आया क्या नहीं आया होगा ना क्यों क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन ही नहीं है ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही कर सकते हैं जी हाँ क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रिलेटेड है आप एस एस ने इसको क्यों पूछा मुझे भी पता नहीं हो सकता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते वक्त उस समय थोड़ा खैर पोस्ट टेंशनिंग ये होती है लॉन्ग स्पैन सब मैं क्वेश्चन करवा क्यों रहा हूँ क्योंकि आया एस एस सी में और अगर आगे आ जाए तो आप कर सको इस पर जरा सा भी डिस्कशन करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नाइन्थ विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड अ वेरी पुअर सॉरी वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 से लेकर 2011 हज़ार ग्यारह का सेंसस ऑफ इंडिया भारत की 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह ने बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की तो सबसे ज़्यादा जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली वो मेघालय में देखने को मिली तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा मेघालय ने सबसे हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ यहाँ पे अचीव किया दैट वाज 27.8 परसेंट वहीं अगर बात करें एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट पॉपुलेशन उसकी घटी 2001 से लेकर 2011 के बीच में उसी को मैं फिर बोल सकते हैं जिसमें लोवेस्ट डेगिटल ग्रोथ रही एंड दैट वाज नागालैंड नागालैंड में सबसे लोवेस्ट रही कितनी नेगेटिव जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है तो मेघालय में सबसे ज्यादा देन अरुणाचल एंड देन बिहार में बात अगर करें ओवरऑल ग्रोथ ओवरऑल डिजिटल ग्रोथ रेट कितनी थी तो याद रखना ओवरऑल जो थी डिजिटल ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 2011 के बीच में पूरे इंडिया की दैट वाज 17.7 परसेंट सबसे हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ हमें किस डेकेड में देखने को मिली हाईएस्ट डेकेटल ग्रोथ रेट और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ऑन दी पॉपुलेशन टर्म्स ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हाइस्ट डेकिटल ग्रोथ रेट 1971 से लेकर 1981 तक देखने को मिली ईयर ऑफ़ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं 1921 को बिकॉज इससे पहले तक तो पॉपुलेशन ठीक ठाक थी इसके बाद एकदम थोड़ा हम स्पीड में आ गए ग्रोथ में 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हाइस्ट डेकिटल ग्रोथ रेट 2011 में जो हुआ था हमारा सेंसस उसका सेंसस का लोगो वो क्या था आर सेंसस आर फ्यूचर आर सेंसस आर फ्यूचर ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है और सेंसस कमिश्नर या फिर फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं और फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कमिश्नर ये जल्दी से अगर आंसर आप दें तब तक मैं आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ कि डेकेटल ग्रोथ रेट तो ठीक है हाइस्ट थी अब डेकेटल ग्रोथ रेट से क्या आना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में कि भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है यानी 382 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर लोग रह रहे हैं हाइएस्ट की अगर बात करें हाइएस्ट कहाँ पर है पॉपुलेशन डेंसिटी हाइएस्ट जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अधिक एक एक जीरो सिक्स है ये कहाँ पे है बिहार में है वहीं अगर बात करें लोवेस्ट की तो लोवेस्ट कहाँ पे है लोवेस्ट है अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश कितनी है सत्रह सत्रह लोग रह रहे हैं मात्र सौ स्क्वायर पर स्क्वायर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर में फ, फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोलते हैं हेनरी है वॉल्टर को हेनरी वॉल्टर और जो हमारा पहला सेंसस कमिश्नर था जो 1881 में जो सेंसस हुई थी दैट वाज डब्ल्यू सी प्लॉडन आगे बढ़ें विच अमंग फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट लिमिट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में से कौन उपभोग करने शुक्र है उपभोग है करने की सीमांत प्रवृत्ति की सही सीमा को दर्शाता है ठीक है सारे तरह के भोगों में यह आपकी वैलिड है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या है ये ये है कि योर प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज चेंज इन कंजम्पन एज रिलेटिव टू द चेंज इन इनकम कि आपका कितना इनकम में चेंज हो रहा है उसके प्रपोशन में कितना कंजम्पन में चेंज आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज एम पी सी ऑब्वियसली बात है ये इन आ, ये ऑप्शन पता है मैंने चेंज किया एक्चुअली में चेंज ऐसे किया कि इनफाइनाइट था अब इनफाइनाइट बन नहीं रहा था मेरे से थोड़े माइनस वन रख दिया बट एक्चुअली इनफाइनाइट था ये सीरियल दो हज़ार बाईस का क्वेश्चन है तो आंसर जो होगा ना इसका अब इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे ठीक है और माइनस वन भी नहीं हो सकता है ठीक है और जीरो भी नहीं हो सकता है आंसर क्या होगा बिकॉज रेशियो है ना देखिए रेशियो है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीरो से लेके वन के बीच में होगा इसी सीजल दो हजार में एक और क्वेश्चन पूछा गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में कि अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को सी से रिप्रेजेंट करें तो देन गवर्नमेंट मल्टीप्लायर देन गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू होगी वन अपॉन वन माइनस सी ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है ठीक है इसकी वैल्यू कहां से कहां वेरिएट करती फ्रॉम जीरो टू वन और अगर सी से रिप्रेजेंट करें तो देन गवर्नमेंट मल्टीप्लायर विल बी वन अपॉन वन माइनस सी इलेवेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म बाई द संथाल ट्राइब ऑफ झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है कोली झीका दसाएं या फिर कोलकाली या फिर झूमर संथाल ट्राइब अब ट्राइब से क्या जाना चाहिए सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ पर रहती हैं सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में फिर हमारा छत्तीसगढ़ एंड देन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं ट्राइब्स कहाँ पर बिल्कुल ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है एस है ही नहीं है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ चन यहाँ पर बिल्कुल एस टी पॉपुलेशन नहीं है सबसे ज़्यादा एस सी पॉपुलेशन कहाँ पर है यूपी में है ठीक है परसेंटेज वाइज अगर बात करें सबसे ज़्यादा ट्राइब कहाँ पर रिसाइड करती हैं मिज़ोरम में रिसाइड करती हैं ठीक है ये हमने चीजें ट्राइब की रिगार्डिंग पढ़ी और सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है भील सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है अब यहां पे संथाल ट्राइब कौन सी करती है कोली ए कोली वड़ा पाव लाना ठीक है कहां का पढ़ा था हम लोगों ने महाराष्ट्र वड़ा पाव कहां का है महाराष्ट्र का है ए कोली से आपका कोहली से कोली वड़ा पाव से पाव डाफ डांस कोली लाना से आपका लावणी डांस फिर उसने क्या बोला लेजी कहीं की लेजी से लेजिम डांस लेजी कहीं की तमाशा कर रही है ठीक है तो तमाशा डांस हो गया था और फिर आ, मैं किसके पास चला जाऊंगा उसने बोला था कोहली ने मोनी के पास यानी दफा हो जाए दफा से गफा डांस मौनी से मौनी डांस और नाटक से जो ढंग का नाटक करती है ढंग का से ढंगारी डांस और नाटक से नाटक डांस ये सारे हम लोगों ने महाराष्ट्र की ट्रिक देखी थी वाइटी शॉर्ट्स में ठीक है घूमर की अगर बात करें तो घूमर घूमर जिसको कि स्नेक ट्राइब के नाम से जानते हैं ठीक है और इससे आपको याद आना चाहिए गुलाबो सपेरा गुलाबो सपेरा पूछ ले सीधे आपको मारना है क्या कलबेलिया ठीक है कोलकाली ये केरल का है केरल का बचा आपका एक झीका दशाएं ठीक है झीका दशाएं आपका संथाल ट्राइब परफॉर्म करती है वही संथाल ट्राइब जो कि इससे याद आना चाहिए संथाल रेबिलियन संथाल रेबिलियन कब हुआ था 1855 में हुआ था इसी ट्राइब से हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इसी ट्राइब से रिलेटेड हैं 1858 में 50, 55 में संथाल रेबेलियन हुआ था जो सिद्धू और कन्हू जो दो भाई थे उन्होंने इसको लीड किया था ट्वेल्थ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट फॉरन एक्सचेंज इन इंडिया इन नाइनटीन सेवेंटी में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए और निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था सरफेसी, फेमा फे एफ आर बी एम या फिर फेरा कौन सा था अब यहाँ पे मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कोई भी आप क्वेश्चन अटैम्प करते हो अगर आपको लगता है ये तो आता ही नहीं है तो वेट अ सेकेंड पॉज करो वीडियो को टाइम लो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो इसे दो फायदे होंगे नॉलेज तो आपको जब मैं आपको चीज़ पढ़ाऊंगा तो, तो और बेटर आप तरह से थोड़ा इंटरेस्ट ले समझोगे सेकेंड थिंग आप साथ ही साथ क्वेश्चन अगर आपको जो नहीं आते हैं जो कि आपको बिल्कुल 100 परसेंट कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे एग्जाम में जो आपको नहीं आते हैं जी के सेक्शन में उनको कैसे अटैम्प्ट करना है वो एक्टिविटी भी आपकी साथ ही साथ चलती रहेगी वो मसल भी आपकी डेवलप होती रहेगी साथ ही साथ अब फॉरन एक्सचेंज है फॉरन एक्सचेंज इन इंडिया फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज या फिर जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिमिलर ऑप्शन की ट्रिक बताई थी उससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी को और या फिर टू और फोर फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज फॉरन एक्सचेंज का रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेशन यही आंसर एक्चुअल में और एक्चुअल में भी अगर आप देखें तो फ़ेरा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो फेरा है वो आया था आपका 1973 में फेमा आया था आपका 1999 में इसको रिप्लेस करने के लिए इट इज़ रिगार्डिंग समथिंग फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जो कोई फॉरेन एक्सचेंज भेजता है विदेश से भारत में तो किस तरह से उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें डीप पर जाने की जरूरत नहीं है सार की अगर बात करें सार होता है आपका सेक्रेटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट ये आया था आपका ईयर 2002 में इट इज रिगार्डिंग ये बैंक्स को पावर देता है कि जो भी आपके बैड लोन्स हैं ना जो लोन्स की रिकवरी आप कर नहीं पा रहे हैं आपकी अब अस्सी तेजी हो चुकी है आपने गिवअप कर दिया है तो इसलिए मतलब जो बैड लोन्स हैं उसके रिकवरी के लिए या फिर उसके रिकवरी के लिए आप जो भी किसी ने कोलेट्रल रखा था जो भी किसी ने कुछ गिरवी रखा था तो उसको आप बिना कोर्ट वोट के ट्रायल में इधर उधर जाए सीधे उसको बेचो और अपना पैसा लो बैड लोन्स यहाँ से मुझे याद आया कि बैड लोन्स आर बी आई की भी रिसेंट में रिपोर्ट आई है जुलाई में कि बहुत ज़्यादा बैड लोन्स बढ़ गए हैं और बैड लोन्स वो हैं कि भाई जो ऐसे लोन्स जो एक तरह से एन की कैटेगरी में जाने वाले हैं एन क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो एसेट वो लोन जो राइट ऑफ कर दिए गए हैं अब उनकी कोई आने की आशा नहीं है उनको बोलते हैं एनपीए और बैड लोन्स को लाने के लिए बैड बैंक्स बनाई जाती हैं अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले बैड बैंक क्या होती हैं तो बैड बैंक वो बैंक होती हैं जो इनका बैड लोन लाने में मदद करती हैं ये सेटअप की जाएंगी ये फिर देखेंगे कैसे, कैसे 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 वसूली की जा सकती है यानी इसमें वसूली भाई टाइप के लोग बैठाए जाते हैं ये अपना एक परसेंट जैसे कि रिकवरी कर ली इन्होंने मान लो कि मान लेते हैं पचास करोड़ की रिकवरी कर ली तो बोले बोलेंगे कि ऐसा करो अब हमने रिकवरी करी है तो दो करोड़ या फिर पाँच करोड़ हमको दो पैंतालीस या फिर दस करोड़ हमको तो चालीस ये तो तुमने भूल ही गए थे ये तो तुमसे होने से रहा था तो एटलीस्ट कुछ तो दिया ना हमने तुमने तो वो अपना कमीशन काटते हैं और बैड लोन्स मतलब वो फिर वो दे देते हैं ठीक है इस तरह से चीज़ें होती हैं अब बैड लोन से मुझे याद आ रहा है इन सारी चीज़ों से याद आ रहा है फेरा और फेमस है नॉस्त्रो वॉस्त्रो सीरियल 2022 में क्वेश्चन पूछा इसने नोस्त्रो पे नौस्त्रो वॉस्त्रो क्या होते हैं ये अकाउंट होते हैं नोस्त्रो का मतलब होता है आर मनी इन योर बैंक आर मनी इन योर बैंक इन योर करेंसी और इसका मतलब होता है योर मनी इन आर बैंक योर मनी इन आर बैंक दैट मीन्स कि जब फॉर एग्जाम्पल अभी एक्चुअल में ये फिर से न्यूज़ में है न्यूज़ में इसलिए है और ये राखी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं ठीक है <laughs> जरा तो ये होता ये है क्या होता है कि जैसे अभी आर ने बोला है कि इक, आ, मतलब गाइडलाइंस दी है कि 21 कंट्रीज के जो बैंक्स हैं वो खोलो खोलो बैंक अकाउंट खोलो दैट मीन कि वॉस्त्रो अकाउंट खोलो योर मनी इन आर बैंक तुम मतलब जो बाकी कंट्रीज है उनका अकाउंट खोलो यहाँ पे नॉस्त्रो कब होगा जब इंडिया का अकाउंट बाकी कंट्रीज में खुलता है उनकी करेंसी में यह भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलते हैं ताकि तुरंत ही लेन देन हो सके इसलिए ये काम होते हैं तो नोस्त्रो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआई का मान लेते हैं कहीं पे है अकाउंट है वहाँ पे किसी किसी और देश में तो उसको नॉस्त्रो अकाउंट बोला जाएगा किसी और देश का इंडिया में वास्त्रो अकाउंट बोला जाएगा ठीक है हमारे लिए लेकिन अगर उसके लिए हम बात करें उसके लिए इसे मेरा मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं रशिया के रशिया में जो हमने उनके ओपन करवा रखा होगा तो रशियंस के लिए वो नॉस्त्रो हुआ ठीक है अब लेकिन ये आप जनरल डेफिनेशन याद रखिएगा तो आंसर यहाँ पर अब ये यहाँ पे बचा हुआ है एफ आर बी एम एफ आर बी एम क्या होता है एफ आर बी एम ये आया था 2003 में दैट इज़ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 हो क्या रहा था जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं सिलेंडर सस्ता हो रहा है ये सस्ता है वह सस्ता अभी रुको तो इतना इतना फ्री मिलेगा तुमको कुछ तु या, उसका सीमा नहीं है तो ये गवर्नमेंट कहाँ से ला रही है कहाँ से ला रही है पैसा तो लोगों का ही है ना जनता का ही पैसा है जो कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किस लिए यूज़ किया जा रहा है जो कि हर गवर्नमेंट ऑलमोस्ट करती है चुनाव जीतने के लिए लास्ट टाइम पर चुनाव जीतने के लिए हो रहा है अब चुनाव जीतने के चक्कर में देश की फिजिकल हालत ख़राब कर देते हैं ये लोग देश का जो फिजिकल घाटा है फिजिकल डेफिसिट वो बढ़ जाता है इसी वजह से ये एक्ट लाया गया कि अब आपको फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट इनको घटाना होगा ज़ीरो परसेंट जीरो परसेंट तो खैर कभी हुआ नहीं लेकिन आपको जीरो परसेंट लाना होगा और नहीं कर पाते हैं तो उसके रीजंस बताने होंगे तो एटलीस्ट ये थोड़ा तो लिमिट हुआ है अभी फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है डेफिसिट का मतलब होता है घाटा रेवेन्यू डेफिसिट होता है क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब घाटा हो रहा है मतलब आपके खर्चे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यम इनकम को बोलते हैं इकोनॉमिक रिसीट और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट आप कर देंगे तो यू विल गेट दी रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट ये होता है टोटल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर इन पूरा जो आपका खर्चा आप कर रहे हैं दैट मीन्स कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाएगा माइनस माइनस टोटल रसीट माइनस टोटल रसीट पूरी आपकी इनकम अब ब्रैकेट लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा किसी काम के लिए लगाया होगा रसीट टोटल रसीट में माइनस कर दो माइनस कर दो आ, क्या आपका माइनस करना है डेप्ट क्रिएटिंग ठीक है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रसीट डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रसीट अब इसका मतलब भी समझ लो आर ई सी ई आई पी टी होता है इसमें यह है जैसे फिजिकल घाटा का मतलब होता है टोटल घाटा माइनस ब्रैकेट लगा दो क्योंकि जो इनकम हुई है ना वो दो प्रकार की हुई है तुम्हें तुमने लोन भी लिया था याद करो ठीक है तुमने लोन भी लिया था अब वो जो लोन है ठीक है ये फिर बिल्कुल वही बोल सकते हैं जो लोन है जो तुमने लिया है वो बाद में चुकाना भी तो पड़ेगा तो उसको जरा माइनस तो कर दो क्योंकि वो तुम्हारी एक्चुअल इनकम नहीं है बस वही है डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को यहाँ पर हमने वो किया है क्योंकि कैपिटल रसीट में ही लोन ओन आते हैं आपके जो लोन वगैरह होते हैं जिससे आपका लाइबिलिटी बढ़ता है वो कैपिटल रसीट में आता है लेकिन ऐसा खर्चा जिससे कि लाइबिलिटी घटती है और एसेट बढ़ते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो यहाँ पर टॉपिक का डिस्कशन नहीं वो पहले कर चुके हैं और आगे जब कोई क्वेश्चन आएगा तो करेंगे एक और याद करिए एंड दैट इज़ प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट वो होता है जब आप फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते तो, हो लोन लिया होगा उसको कुछ इंटरेस्ट भरना होगा तो जब माइनस कर दोगे तो प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा ठीक है तो ये एफ होता है एक्ट कब आया था वो बता दिया ना मैंने 2003 में ठीक वॉट आर दी मेन एनर्जी सोर्सेज फॉर अर्थ इंटरनल हीट इंजन पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है अब मैंने आपको बताया था अर्थ को कब आता है जब प्लेट का मूवमेंट होता है प्लेट क्या होती है लिथोस्फेरिक प्लेट होते हैं एंड ऑल नेचुरल अर्थ को अकर इन लिथोसफियर लिथोस्फेरिक प्लेट होती है प्लेट क्या होती है प्लेट हमारी होती है दो कैटेगरी में मेजर प्लेट और माइनर प्लेट निट्टो सीरीज़ याद करो उसमें हमने अभी पिछले वाले में किया था मेजर प्लेट होते हैं जैसे कि हमारी जैसे कि जो कॉन्टिनेंट या फिर ओशन के नेम पे बेस्ड है जैसे कि पैसिफिक प्लेट हो गई हमारी हमारी आपकी अटलांटिक प्लेट हो गई अफ्रीकन प्लेट हो गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई एशियन प्लेट हो गई यूरेशियन प्लेट हो, हो गई ये क्या है कॉन्टिनेंट या ओशियस के नाम है माइनर प्लेट में जुआन दिफूका नास्का अर, अरेबियन फिलिपीन छोटे 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 प्लेट्स हैं ये प्लेट कम मूवमेंट चलता रहता है जब मूवमेंट करती हैं तो या तो पास पास आएंगी पास पास आती हैं तो क्या होता है कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती हैं और कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसी होती है डिस्ट्रक्टिव होती है, है। यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है आपका ये सब मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कैसे जैसे ये 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 आपकी प्लेट है प्लेट इतनी स्मूथ भी नहीं होती ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 होती हैं तभी तो अर्थ को एक आते हैं ठीक है थीके? तो ये जब मिलेंगी ना ऐसे ऐसे करके तो पेपर को इमेजिन करो एक पेपर को ए फोर साइज पेपर है दोनों साइड से पुष करो बीच में उठ जाएगा ना तो उठ जाएगा तो मतलब जो यहाँ पे क्रस्ट एक्चुअल में थी वो ऊपर चली गई क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गई इस तरह से इसको इमेजिन करो कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है यहाँ पे आपका क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है इसलिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं जब ये दूर दूर जाती हैं जब इनकी लड़ाई हो जाती है यानी दैट मीन्स ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के केस में उल्टा हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो जाएगी क्यों क्योंकि यहां पे क्रस्ट क्रिएट हो रहा होगा क्रस्ट जो है क्रिएट हो रहा है क्रस्ट क्रिएट कैसे हो रहा है जब दूर जा रही है ऐसे इमेजिन करो कि ये प्लेट है ये प्लेट है दूर जा रही है तो नीचे से जो मैग्मा भरा हुआ है एस्थिनोसियर में ऊपर निकलेगा जम जाएगा यानी कि नई क्रस्ट क्रिएट हो रही है और एक होती है हमारी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री ट्रांसफॉर्म में क्या होता है ट्रांसफॉर्म में होता है कि क्रस्ट नीदर क्रिएटेड नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ना तो क्रिएट होती है और ना ही आपकी डिस्ट्रॉय होती ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में तो ये पढ़ क्यों रहें पढ़ इसलिए रहे क्योंकि जो प्लेट का मूवमेंट हो रहा है हो कहाँ से रहा है एनर्जी मिल कहाँ से रही है यह एक्चुअल मिल रही है जो अर्थ की इंटरनल हीट इंजन है वहाँ से मिल रही है वो एनर्जी आ कहाँ से रही है वो आपकी जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है अंदर अंदर और जो प्री मॉडियल हीट है प्री मॉडियल हीट मतलब प्लानट के बनने के टाइम पर जो हीट बनी होगी दैट इज कॉल्ड एज प्री मॉडियल हीट उनकी वजह से ये अर्थ का इंटरनल हीट इंजन अंदर काम कर रहा है अंदर आपको कहीं कहीं जैसे कि मनी कर्णिका एक आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ वो क्या है एक वहाँ पे स्प्रिंग देखने को मिलता है हॉट स्प्रिंग है वो आपका हॉट स्प्रिंग जैसे कि यूएसए में भी बहुत देखने को मिलते है येलो स्टोन जो है वहाँ पे वहाँ से क्या नीचे से गर्म पानी निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है गर्म गर्मी आ कहाँ से रही है वो यहीं से आ रही है रेडियो एक्टिविटी के और जो प्री मॉडियल हीट है ठीक है तो जो आपका अंदर एस्थिनोसफियर है ना जो हम लोगों ने पढ़ा था क्रस्ट मेंटल कोर ये क्रस्ट है ये मेंटल है ये कोर है अलिथोसफियर क्या होता है आप जानते हैं अलिथोसफियर होता है पूरे क्रस्ट को ले लो और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल को ले लो दैट इज कॉल्ड एज लिथोसफेयर और उसी लिथोसफेयर के नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एस्थिनोसफियर एस्थिनोसफियर जो जिसमें कि लावा भरा हुआ है मैग्मा भरा हुआ है उसी के ऊपर ये मूवमेंट कर रही है ठीक है डिस्क जॉकी की तरह तो ये प्लेट का मूवमेंट किस तरह से होता है वो भी हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया और अर्थ का इंटरनल हीट इंजन कैसे काम करता है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो हमारा अर्थ का एटमोस्फियर इवॉल्व हुआ ना अब प्रेजेंट डे एटमोस्फेयर देखते हो ट्रोपोसफियर स्टैटोसफियर लिथोस ये सब मेजोसफियर ये सारे देखते हो ये कैसे इवॉल्व हुआ कैसे बना कैसे यहाँ पर पूरा एक जीवन पॉसिबल हुआ तो सबसे पहले इसमें तीन स्टेप ध्यान रखना आपको तीन स्टेप हुए एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर में थ्री स्टेप इन दी एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एन में लिखा भी हुआ ये आपका फर्स्ट इसमें स्टेप हुआ लॉस ऑफ प्री मॉडियल एटमोसफियर लॉस ऑफ प्री मॉडियल एटमोसफियर पहले से जो एटमोसफियर एग्जिस्ट कर रहा था ना जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम भर भर के गैसेस थी वो लॉस हुई कैसे लॉस हुई सोलर फ्लेयर आए सोलर फ्लेयर सन से उन्होंने इसको उड़ा दिया फिर अंदर से आउट पोरिंग ऑफ गैसेज हुई आउट पोरिंग ऑफ गैसेज हुई जिसको कि हम बोलते हैं डी गैसिंग क्या बोलते हैं डी गैसिंग बोलते हैं और थर्ड स्टेप में हुआ आपका जो फोटो सिंथेसिस है फोटोसिंथेसिस से फर्दर जो प्रेजेंट डे हम एटमोसफेयर देखते हैं वो इवॉल्व हुआ तो इन तीन स्टेप्स में फोर्टीन विच ऑर द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशन इज कॉल्ड एज दी हंटर निम्नलिखित में से किस तारामंडल को हंटर बोलते हैं व्हाट इज कॉन्सलेशन कॉन्स्लेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ग्रुप ऑफ स्टार्स स्टार्स हमें क्या जाना चाहिए स्टार्स हमारे होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस का मतलब होता है इनकी खुद की लाइट होती है अनलाइक मून मून आपका कैसा होता है वो उनकी खुद की सनलाइट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है स्टार्स के द्वारा दी गई सन के द्वारा हमारी दी गई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अच्छा अभी हम लोगों का जो चंद्रयान थ्री है वो सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग किया चंद्र जो हमारा मून है उसके साउथ पोल में जिस जिसको कि हम डार्क साइड ऑफ मून भी बोलते हैं बिकॉज मून का एक साइड हमें कभी विजिबल होता नहीं है रीज़न बताइए जरा गेस करिए क्या होगा रीज़न जिसके वजह से हमें मून का एक साइड कभी विजिबल होता नहीं है स्टार से हमें याद आना चाहिए कि सबसे क्लोजेस्ट स्टार हमारे कौन है अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार है हमारा सन इसके बाद अगर हम बात करें ये है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसके बाद सन के बाद है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी ठीक है ये आपका ए आठ मिनट और बीस सेकेंड ठीक है फिर एट पॉइंट थ्री मिनट्स भी बोल देते हैं इसको एट पॉइंट थ्री मिनट्स या फिर लाइट मिनट्स भी इसको बोल देते हैं दूर है ये यानी कि आठ मिनट और बीस सेकेंड लगते हैं सनलाइट यहां पे आने के लिए अर्थ में आने के लिए मून की अगर बात करें मून का एक साइड इसलिए विजिबल नहीं होता बिकॉज इसका रोटेशन का जो टाइम है और रेवोल्यूशन का जो टाइम है घूर्डन और पर, परिक्रमण का अराउंड द अर्थ ये रेवोल्यूशन करता है जिस तरह हमारी अर्थ अराउंड दी सन रेवोल्यूशन करती है मून हमारा सर so रेवोल्यूशन करता है अराउंड दी अर्थ इसी वजह से अर्थ की सैटलाइट है और ये ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री डेज में करता है इसलिए इसका एक साइड विजिबल नहीं होता बिकॉज रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों का टाइम सिमिलर है मून में जो ग्रेविटी है वो वन बाई सिक्स होती है तो ज़रा बताइए यहाँ पर मास अगर किसी पर्सन का सिक्सटी के जी है तो फिर मास मून में कितना हो जाएगा अभी कॉमेंट में लिखिए जल्दी से जल्दी से तो आंसर यहां पे होगा आपका ओरियन उर्सा मेजर आपका स�... जो सप्तऋषि आप बोलते हैं ना सप्तऋषि वो उर्सा मेजर ही है ठीक है बाकी अगर बात करें तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ये एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन कौन सा है सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन और ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है ब्राइटेस्ट स्टार तो अगर लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन की अगर बात करें दैट इज योर हाइड्रा ठीक है और ब्राइटेस्ट स्टार की बात करें दैट इज़ रिगल तो ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि मास अगर 60 के है अर्थ पे तो मून पे भी मास 60 के ही रहेगा क्योंकि वेट चेंज होगा क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रही है वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी तो ग्रेविटी चेंज की वजह से वेट चेंज होगा मास सेम रहेगा चाहे कहीं चले जाइए ठीक है और ये बताइए अच्छा क्वेश्चन कौन से दो प्लानट होते हैं जिनकी कोई नेचुरल सेटेलाइट नहीं है अगले क्वेश्चन पर आते हैं थॉमस कप इज़ अ डैश थॉमस कप एक क्या है एनुअल इवेंट है बाई इनियल इवेंट है क्वार्टरली इवेंट है फिर ट्राई इनियल इवेंट है फॉर एक्जाम्पल अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं जानता तो इसका आंसर तो मैं कैसे अटेंट करता इसको क्वार्टरली इवेंट uh, साल में चार बार हो मतलब वही बोल सकते हैं हाँ कि uh, चार महीने में एक बार हो रहा है ठीक है तो ये तो होने सरा ठीक है ये तो होने सर ऐसा इवेंट कोई शायद ही आपने सुना हो कि भाई क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है क्वार्टरली बेसिस पे होगा भी तो उसकी उतनी इज्जत नहीं ओलंपिक की इतनी इज्जत क्यों होती है वर्ल्ड कप की क्यों होती है क्योंकि चार साल में होता है इंडिया ने थॉमस कप जीता था ये तो सबको पता होगा ना आई थिंक इंडिया ने 2022 का जीता था और बहुत चर्चे हुए थे रीज़न दो थे एक तो था कि पहला पहली बार इंडिया ने जीता इसको और दूसरा है कि रोज मतलब हर साल भी नहीं होता ये तो क्वार्टरली तो होने सरा ट्राई ईनियल भी मैंने कोई इवेंट नहीं सुना ट्राईल ट्राईनियल का मतलब है तीन साल में एक बार आपने सुना आप मैंने आपने सुना होगा एनुअल या बाई इनियल सा, दो साल में एक बार होने वाला एनुअल होता तो पूछता ही क्यों एनुअल होता तो पूछता ही क्यों आंसर होगा बाई इनियल इवेंट दो साल में एक बार इवेंट होता है 2022 में हुआ था फिर 2024 में होगा 2022 वाला भारत ने पहली बार इसको जीता किसको हरा के जीता बाई डिफीटिंग इंडोनेशिया इंडोनेशिया से मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र किंग्स के बारे में जिन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया था पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा था बाई डिफीटिंग ठीक है वैसे शैलेंद्र मेरे पापा का नाम था ठीक है बचपन का नाम बोल सकते हैं ठीक है बाई डिफीटिंग इंडोनेशिया फिर कहाँ पे डिफीट किया थाईलैंड में डिफीट किया इंडिया ने थॉमस कप की अगर बात करें थॉमस कप पहली बार कहाँ पे हुआ थॉमस कप फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ तो ये आपका पहली बार हुआ 1990 नाइन्टी हाँ नहीं नाइनटीन नहीं हो इसमें 1940 होगा ठीक है 1948 से लेके 1949 ये इवेंट हुआ था और हुआ ये था इंग्लैंड में वॉन बाई मलेशिया जिसको पहले मलाया पेनेसला भी बोला जाता था ठीक हुआ कहां पे था इंग्लैंड में हुआ था अगर पूछ ले हेल्ड इन हेल्ड इन इंग्लैंड उबर कप की अगर बात करें दोनों कप सेम होते हैं पता है सेम होते हैं सेम जगह पे भी होते हैं सेम टाइम पे भी होते हैं ये मेन के लिए होता है ये विमेन के लिए होता है इतना तो आपको पता होगा कि दोनों मतलब सभी आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हैं ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित है ओबर कप की बात करें क्वेश्चन आ चुका है दो हजार बाईस में सर ये दो हजार तेईस का क्वेश्चन में करवा रहा हूं जो अभी ये वाला क्वेश्चन है ये पहला वाला दो हजार बाईस में आ चुका है तो ओबर कप की अगर बात करें नाइनटीन फिफ्टी सेवन में हुआ था सबसे पहली बार वॉन बाई यूएसए ये पूछा है किसने जीता था कहां पर हुआ हेल्ड इन इंग्लैंड कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है 1948 या फिर याद रख लो कि जब आ, 1949 में जब हमने एक तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया उस साल हुआ थॉमस कप 1957 में उबर कप हुआ हेल्ड इन इंग्लैंड ओनली जो लेटेस्ट वाला है वो किसने जीता है अभी वाला 2022 वाला थॉमस कप तो बता दिया इंडिया ने जीता है ये जीता है साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के ठीक है और इंडिया इंडियन टीम में कौन कौन थे ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि कि इस तरह से पूछ लेता है कि किससे संबंधित है लक्ष्य सेन जी ने और किदम्बी श्रीकांत ने अपने इंडिविजुअल इवेंट जीते थे किदांबी श्रीकांत और हमारा ये डुओ है जो कि हर महीने ऑलमोस्ट न्यूज़ में रहता है चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक स्वास्तिक स्वास्तिक, स्वास्तिक साईराज रन की रेड्डी रेड्डी मतलब कुचीपुडी ऑप्शन नंबर सेकेंड यहां पे सही आंसर होगा ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन ये है आपका आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट आर कवर्ड इन दी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें सरदार सरोवर प्रोजेक्ट मतलब यार इतना तो सबको बता होगा सरदार सरोवर बांध गुजरात में है ना गुजरात में है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता ऑप्शन नंबर डी गुजरात के आसपास भी नहीं है मतलब अगर हम देखें कर्नाटक तेलंगाना अगर ये गुजरात है यहाँ पे तो इतना बड़ा सा स्टेट है महाराष्ट्र तब जाके कहीं कर्नाटक तेलंगाना इतना दूर तक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जाएगा बिल्कुल नहीं किस पे है नर्मदा रिवर पे है और नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली फ्लो होती है इनकी कुछ ही बहुत ही कुछ ही ट्रिब्यूटरी होती ना के बराबर ट्रिब्यूटरी होती है इनकी ठीक है क्योंकि रिफ्ट वाली में ब्रंश घाटी में बह रही हैं वेस्ट की ओर फ्लो रही हैं और अरेबियन सी में गिर के ईश्वरी बना रही हैं ज्वार उन्मुख बना रही हैं तो ये भी नहीं होने सरा पंजाब हरियाणा कुछ ज़्यादा ही ऊपर है आंसर यहाँ पे थर्ड होगा सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इसको कर सकते थे नर्मदा में दो वाटरफॉल हैं कपिल धार धुआंधार वाटरफॉल है नर्मदा अमरकंटक कंटेक्ट प्लाटी से निकलती है जो जहाँ से सोन भी निकलती है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है वो ठीक है आगे देखते हैं सेवनटीन पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पेनल्टी कॉर्नर नेम लिखते में से किस खेल से संबंधित है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किससे आसान सा क्वेश्चन है आंसर होगा इसका हॉकी हमने पढ़ा था क्या चीज़ पेनल्टी जो कॉर्नर है उसको किस तरह से दर्शाया जाता है है ना अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन किया था पेनल्टी कॉर्नर को अंपायर किस तरह से सिग्नल करता है 2022 में भी क्वेश्चन है 2023 में भी क्वेश्चन है इसको दिखाने के लिए जो हमारा वो अंपायर होता है ना वो अपने हैंड्स को हॉरीजोंटल रखता है जैसे कि ये है, है हमारा ठीक है इस तरह से इस तरह से हॉरीजॉन्टल रखेगा हॉरीजोंटली पॉइंट करेगा हॉरीजोंटली पॉइंट्स टूअर्ड्स टूअर्ड्स गोल गोल की तरफ हॉरिजॉन्टली पॉइंट करेगा पेनल्टी कॉर्नर को दिखाने के लिए लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली ये सेंटर की ओर कर रहा है ठीक है अगर हॉरिजॉन्टली हॉरी पॉइंट्स टूवर्ड्स सेंटर की तरफ कर रहा है ना सेंटर की तरफ तो इसका मतलब होता है गोल हो गया है बधाई हो और अगर इस तरह से वाँ वाँ कर रहा है ये मतलब ठीक है तो उसको बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक ये पेनल्टी कॉर्नर था याद रखना हॉरिजॉन्टली और अगर इस तरह से दिखाएगा मुझे कैसे आएगा वो देख लेना कि एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे उसको बोलते हैं पेनल्टी स्ट्रोक और अगर इसने अपने हैंड्स को क्रॉस कर लिया इस तरह से ठीक है इस तरह से ऐसे हाथ को हाँ क्रॉस कर लिया मतलब अपनी चेस्ट पे दैट मीन कि डिस्टर्बेंस हुआ है खेल में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ है डिस्टर्बेंस खेल में उत्पन्न हुआ है ये होता है इन ती चार ही चार मैंने आपको बताया ना चार ही से बस पूछेगा देख लेना ठीक है पक्का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो गया अच्छा पेनल्टी कॉर्नर इससे रिलेटेड है और हॉकी से क्या क्या रिलेटेड है आपके हॉकी से आपके हॉकी से और क्या याद आ रहा है आपको हॉकी से याद आना चाहिए स्कूप ड्रिबल वैसे मैंने पी शेयर कर रखी है स्पोर्ट्स एंड देयर टर्म्स की परमार एस एस सी टेलीग्राम पर एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं जहाँ पे खेला जाता है एस्टोटर्फ ऑफ साइड हो गया आपका ठीक है बाकी चलो जल्दी से कुछ और यहाँ पे रिवाइज करते हैं जैसे कि स्विमिंग ठीक है स्विमिंग से आपके कौन से टर्म एसोसिएटेड हैं गोल्फ से कौन से एसोसिएटेड हैं गोल्फ ठीक है तो स्विमिंग से अगर कर बात करें तो स्विमिंग से आपके हो जाएंगे जैसे फ्री स्टाइल बैक स्ट्रोक बटरफ्लाई स्ट्रोक ठीक है बटरफ्लाई स्ट्रोक गोल्स अगर बात करें तो ईगल बर्डी ईगल एल्बर्ट्रॉस ये सारे टर्म्स एसोसिएटेड हैं और 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 और, और चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं हाफ नेल्सन ठीक है हाफ नेल्सन हीव और आ, फ्री स्टाइल ठीक है फ्री स्टाइल वैसे उसमें भी होता है स्विमिंग तो इसको हटा दो वैसे होता तो इसमें भी इस खेल में जो ये इसे एसोसिएटेड है हाफ नेल्सन और हीव हिंट देता हूँ इंडिया में अभी कुछ हमारे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे काफ़ी लंबे समय से हिंट ही है आपके लिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ श्रुति श्रुति बंदोपाध्याय एमिनेंट मणिपुरी डांसर श्रुति बंदोपाध्याय का यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है कौन सा है मेनेंट जो मणिपुरी डांसर है तो आप आगे के लिए याद रखना श्रुति बंदोपाध्याय पहली बात तो ये रट लो श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी डांसर हैं झावरी सिस्टर हो गई चारू माथुर हो गई देवदानी चालिया हो गई श्रुति बंदोपाध्याय भी रट के रखिए आगे पक्का पूछा जाएगा तो इन्होंने क्या अभी रिसीव किया है तो ऑप्शन है यहाँ पे शी रिसीव्ड कालीदास सम्मान फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी श्री रिस सीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर ट्वेंटी शी रिसीव पद्मश्री फॉर द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी श्री रिसद पद्म विभूषण इन द द्वेंटी ट्वेंटी अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो, तो मैं इसको कुछ ए, कैसे अटैम्प करता सबसे पहले तो एक्सट्रीम को एलिमिनेट करता पद्म विभूषण मिला होता तो पक्का न्यूज़ में होती पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाइएस्ट सिविलियन से अवार्ड है तो ऐसे बच के तो ना जाती हमारी नजरों से श्रुति जी तो फोर्थ को आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर आप अब बचते हैं कालीदास संगीत नाटक और पद्मश्री आंसर यहाँ पर होगा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला कालीदास सम्मान पर ये चीज़ याद रखिएगा ये आपका नाइनटीन में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था फाउंड हुआ था बना था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड उन्नीस में तिरपन से चालू हुआ बट उन्नीस में फाउंड हुआ था ईयर याद रखेगा पूछा जा चुका आप तो है आपसे ठीक है तो श्रुति बंदोपाध्याय बोलेंगे मणिपुरी अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्फेनोसिडा दैट इज एन अंडरग्राउंड क्रीपिंग एंड पेरेनियल राइजोम दैट गिव्स ऑफ एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड ब्रांचेस कौन है हमारा इक्विटम ड्राइव टेरिस इडियनटम या फिर जिनेला तो आंसर होगा गया यहाँ पे इक्वीसीटम थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन मेन पर्पस ये है कि अगर रिपीट हो जाता है तो हमें आना चाहिए इक्वीसीटम और राइजोम से आपको याद आना चाहिए राइजोपस हम लोगों ने देखा था राइजोपस क्या होता है राइजोपस हमारा कुछ और नहीं बल्कि ब्रेड मोल्ड होता है और ब्रेड मोल्ड क्या एक किस तरह का टाइप है ये आपका फंगाई का टाइप है फंगाई में सेलवाल किसकी बनी होती है कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है जिसका नाम काइटिन होता है इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं ब्रेड मोल्ड ईस्ट ईस्ट हो गया ब्रेड मोल्ड हो गया ठीक है ये आपके एग्ज़ाम्पल होते हैं फंगाई की ईस्ट ब्रेड मोल्ड है ना और फंगस आपको ये मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स ठीक है और क्या क्वेश्चन हाँ राइजोपस में कौन सा मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है तो इसमें होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है जहाँ पे स्पोर्स होते हैं वो निकलते हैं और वो फर्दर रिप्रोड्यूस करते हैं ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मेड अप ऑफ राइबोजोमल आर एंड प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोजोमल आर और प्रोटीन से बना है प्रोटीन प्रोटीन देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए प्रोटीन याद ठीक है बॉडी बिल्डिंग होते हैं हमारे ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी होते हैं ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक्स इनको बोलते हैं क्यों क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमारे चार तरह तीन तरह के माइक्रोन्यूट्रियस होते हैं हमारे बॉडी में जो रिक्वायर्ड होते हैं कार्ब्स एंड फैट्स फॉर एनर्जी प्रोटीन हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए जो लोग मसल्स बनाते हैं जिम में जाके उनके लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है जो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और ये चीज़ आपको बताना चाहिए कि जब कोई एडोलिसेंट एज में होता है एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है दस से लेकर उन्नीस साल में तो उसके न्यूट्रियस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ दैट मीन पूछी गई है ठीक है पूछी गई है तभी मैं उस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे तो इस चीज़ में कभी भी वो मत सोचना कि आएगा कि नहीं आएगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ठीक है क्योंकि मेरा दिन भर का यही काम है वो क्वेश्चंस देखना कौन कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं तो आप इतना रिलाई कर सकते हैं तो एडोलेसेंट आपका 10 से उन्नीस और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी एक क्वेश्चन सी एल में पूछा गया था ठीक है और प्रोटीन तो क्या करता है बॉडी बिल्डिंग मतलब हेल्प करता है ठीक है फैट जो होता है ना फैट कास्ट फैट दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बट फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखता है और फैट से आपको याद याद कौन से टिशू याद करिए एडिपोस टिशू ठीक है एडिपोस टिशू में फ़ैट स्टोर होता है आपका जो कि एरियोलर टिशू का एक टाइप है अब प्रोटीन से हमें याद आना चाहिए राइबोसोम क्यों क्योंकि राइबोजोम किसम होते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वो इसी वजह से रफ में रफ होते हैं और यही जो राइबोसोम होते, है, होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं राइबोसोम और कहाँ पर बनता है ये राइबोसोम हमारा बनता है अगर आपको याद हो न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोलस में भी ये बनता है हमारा राइबोसोम लाइजोजोम की अगर बात करें सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं गोल्गी आपरेटस में बनता है हाइड्रोलेटिक एंजाइम होता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वैक्यूल से याद आना चाहिए वैक्यूल से याद आना चाहिए कि जो एक्सेस वाटर होता है अगर सेल में आ जाता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं प्लांट सेल में परमानेंटली मौजूद होते हैं एनिमल सेल में भी होते हैं बट टेम्परली होते हैं वैक्यूल्स प्लांट सेल में 50 टू 90 परसेंट सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं सेल को रेजिडिटी और ट्रेजिडिटी प्रोवाइड करते हैं जब मरिस्टमैटिक टिश्यूज़ होते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं दे लैक वैक्यूल्स बात अगर करें गोल्गी आपरेटर्स गोलगी बॉडीज़ की तो यहाँ पर लाइजोजोम का फॉर्मेशन होता है और ये आपका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम देखता है ठीक है जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट का काम देखता है तो ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे जो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग होगी दैट विल बी सीन बाय दी गोलगी अपरेटस और गोलगी बॉडी इसको इन्वेंट किया था कैमिलियो गोलगी ने आगे बढ़ते हैं मैच दी कॉलम्स वैसे तो और भी सारी चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हैं सेल के रिगार्डिंग लेकिन हम सेल बहुत बार पढ़ चुके हैं है ना सेल कितनी बार पढ़ चुके हैं तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए जब भी अगर आप ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल देखेंगे तो क्या मारेंगे ऑप्शन में जरा बताइए बताइए जल्दी इस ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हमारे दो ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है प्लास्टिड हमारा तीन तरह का होता है क्लोरो खाना बनाता है क्रोमो कलर प्रोवाइड करता है ल्यूको खाना स्टोर कर, कर, करने का, का काम करता है फिर अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन अगर नहीं होती तो उसको माइटोप्लास्ट बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन में ए टी पी का सिंथेसिस होता है ठीक है और ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स दैट विल बी योर पेरॉक्सीजोम ठीक है ठीक है सेल वॉल की अगर बात करें प्लांट सेल में नहीं होती प्लांट सेल में होती है एनिमल सेल में नहीं होती है बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होती है आपकी जो कि पैप्टीडोग्लाइकन की बनी होती है उसका आउटर कवरिंग ग्ला, ग्लाइको कैलिक्स का बना होता है सेल वॉल आपकी जो फंगस में होती है अभी हमने देखा काइटिन कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है प्लांट्स में सेलिलोस की बनी होती है प्लांट्स में खाना कैसे स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है प्लांट में खाना कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस से बनता है फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं कैलविन साइकिल बोलते हैं ध्यान रखिएगा डार्क साइकिल जो होती है इन फोटो सिंथेस अब क्योंकि मैंने आज पढ़ाया है ना ही उसमें बैच में तो इस वजह से मुझे चीज़ें वो रिकॉल आ रही हैं तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है कैलविन और क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए पी वाई क्यू में कैलविन साइकिल बोलते हैं डार्क साइकिल को साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटो सिंथेस आगे आएगा तो ढंग से देख लेंगे बट अगर फॉर एग्जाम्पल ना आया तो और एग्जाम में आ गया तो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ये होती है आपकी ग्रेना और ये होती है आपकी स्टोमा ठीक है स्टोमाटा का सिंगलर होता है स्टोमा ठीक है तो ग्रेना साइट ऑफ डार्क रिएक्शन स्टोमा साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ठीक है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन डार्क रिएक्शन डार्क साइकिल होती है और उसको हम कैलविन साइकिल के नाम से जानते हैं कॉल क्लियर आगे बढ़ते हैं कौन सी गैस इवॉल्व होती है आप कॉमेंट बताएंगे फोटो के टाइम पर मैच दी कॉलम्स स्टेट्स और हिल्स दी हुई यहाँ पे केरला मेघालय मिज़ोरम अनामलाई हिल्स गारो हिल्स और लुशा हिल्स केरला में कौन से हिल्स हैं अनामलाई होंगी मेघालय में गारो खासी जयंती है मिजोरम में लुशा हिल्स सिंपल इतना आसान सा क्वेश्चन यह है कि नहीं तो इतना ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होगा हम लोगों का ए बी सी कहाँ हो भाई ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक है अनामाला हिल्स में हमारी एक पीक लोकेटेड है अनाई मुडी हिल्स अनाई मुडी हिल्स जिसकी की हाइट कितनी है हाइट है इसकी टू सिक्स नाइन फाइव मीटर ठीक है अनाई मुडी पीक नॉट हिल्स अनाई मुडी पीक टू सिक्स नाइन फाइव मीटर सेकेंड हाइएस्ट भी यहीं पर आपकी दौडा बेटा है ना और ईस्टर्न ये जो कि वेस्टर्न घाट की आई एस पीक भी है पूरे पेनसलर प्लेट पूरे पेनसल प्लेट पूरे साउथ इंडिया की भी आई एस पीक यही है है ना गारो हिल्स में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है वंगाला फेस्टिवल हंड्रेड ड्रम्स खांसी में नॉन्क्रेम जयंतिया में बेहदन खलाम खासी हिल्स में मोसिन राम लोकेटेड है जहाँ पर हाइस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है लुशाई यहाँ पे जनजाति होती है उसी के नाम पर यहाँ पर मिजोरम का वो भी पड़ा मिज़ोरम में हाइस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है हाइस्ट परसेंटेज ऑफ़ ट्राइबल पॉपुलेशन रिसाइड करती है मिज़ोरम में ठीक है केरल के हाईएस्ट लिटरेसी रेट है कितनी है 94 परसेंट है वैसे इंडिया की कितनी है इंडिया की 74.04 परसेंट लिटरेसी है बट केरल के हाईएस्ट के है दैट इज़ 93.9 थ्री पॉइंट नाइन ओवर अप्रोक्सीमेटली वी कैन से नाइन्टी है अगले क्वेश्चन पे आते हैं हु और बाकी तो याद आपको याद आना चाहिए अरुणाचल में डाफला मीरी अबोर मिशमी निशी गारो खासी जयंतिया मिकिर रेगमा किसका पार्ट है पेनिस्ला प्लाट्यू का ये किसका पार्ट है हिमालय का और डाफू रेंज ये कहाँ पे देखने को मिलेगी पिछले क्लास में देखे थे डाफू रेंज आपको देखने को मिलेगी नागालैंड में ठीक है डाफू रेंज है आपकी नागालैंड में अगले क्वेश्चन पे आते हैं नागालैंड से याद आना चाहिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं ठीक आगे देखते हैं वो अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ़ द बुक द बुद्ध एंड इज धम्मा विच अपियर इन 1957 आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर निम्नलिखित में से कौन द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो उन्नीस में इसके लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी तो एक्चुअल में ये हमारे अम्बेडकर जी थे इन्होंने अक्टूबर में अक्टूबर 1956 में बुद्ध धर्म को अपना लिया था बोल काफ़ी पहले से रहे थे अपनाए अक्टूबर 1956 में था उसके दो महीने बाद ही दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हो जाती है तब से लेके तब तक ये काम कर रहे थे इस पुस्तक पे जो इनकी इनकी डेथ से जस्ट तीन दिन पहले ही कंप्लीट हुई थी आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ठीक है अब अम्बेडकर जी से आप क्या रिकॉल कर सकते हैं मूक नायक इनका वीकली महा सत्याग्रह नाइनटीन ट्वेंटी सेवन पूना पैक्ट विद गांधी जी नाइनटीन थर्टी टू पूरी जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930, 1931, 1932 में तीनों में इन्होंने अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड क्लास फेडरेशन बनाया था इन्होंने 1932 में इनकी ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीजा इन्होंने आर्टिकल थर्टी टू को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था मॉडर्न मैन के नाम से जाना हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी के मसौदा समिति के चेयरमैन थे जिसमें टोटल सेवन मेंबर्स थे मोतीलाल नेहरू सीआर दास ने क्या बनाई थी स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में जिसको ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है सी आर दास प्रेसिडेंट बने मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी बने गांधी जी के रिगार्डिंग तो इतना देख चुके हैं बोस जी के अगर कर बात करें तो ट्वेंटी जनवरी को जन्मदिवस होता है एक सौ और पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं वन इनकी बहुत एनिवर्सरी में इक्कीस आइलैंड अन नेम्ड इन अंडमान निकोबार वर नेम्ड आफ्टर दी परमवीर चक्र एवॉडीज जय हिंद दिल्ली चलो तुम मुझे कौन दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा फ्रीडम इज गिवन फ्रीडम इज टेक एन नॉट नॉट गिवन ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था फ्री लीजन करके इन्होंने पार्टी बनाई थी फ्री लीजन हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था 1941 में जर्मनी की सहायता से बनाई थी जर्मन गवर्नमेंट से सहायता से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनी इन्होंने नाइनटीन में उन्नीस में त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस कांग्रेस के बाद विद इन दी कांग्रेस बनाई उसको आई को लीड किया रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट उसमें क्रिएट किया आई में आई में रानी लक्ष्मी बाई रेजीमेंट क्रिएट किया इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने ये आपको बताना चाहिए आगे बढ़े ट्वेंटी थर्ड ये क्वेश्चन मैंने करवाया था पार्ट वन में डायरेक्टली पूछा गया 2023 में और वही 2023 हजार से क्वेश्चन उठा हुआ है ठीक है पार्ट वन में करवाया था डायरेक्टली डिट्टो छपा क्वेश्चन जर्मन विच जर्मन केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट प्रपोज डू दैट एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव एन ऑड नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मैथमेटिकली बी रिटन एज फोर एन प्लस टू तो इन्होंने बोला था जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन और कार्बन देखने को मिलता है आपको तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के हो सकते हैं एक तो सैचू रेटेड और दूसरे अन सेचू सैचू रेटेड ठीक है तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें एल्केन होते हैं ठीक है एल्केन और अनसेचुरेट में होते हैं एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं एल्कीन और एल्काइन एल्केन की अगर बात करें जनरल फार्मूला होता है इसका सी एन एच टू एन प्लस टू की अगर बात करें इसका जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन और एलकाइन की अगर बात करें तो जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू एल्कीन जो होते हैं ये हमारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है ये बर्न करते हैं अगर इनको बर्न किया जाता है क्लियर फ्लेम से क्लियर ब्लू फ्लेम निकलती है इनमें और एल्कीन और अल्काइन में दैट इज अनसैचुरेटेड में बात करें तो इनमें डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन में ठीक है डबल बॉन्डेड होते हैं और एल्कीन में होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड जब इनको बर्न करते हैं तो ये येलो सूटी फ्लेम से बर्न करते हैं येलो सूटी फ्लेम अच्छा कभी ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपका जो तवा है जिसमें आप खाना बनाते हो वो काला हो गया है तो उसका क्या मतलब है तो उसका मतलब है कि आपका जो फ्यूल है वो ढंग से बर्न नहीं हो रहा है जो हम गैस सिलेंडर होते हैं ना हमारे घर में एल गैस सिलेंडर उनमें भरी रहती है एल्केन यूजअली होता है आपका ब्यूटेन ब्यूटेन प्रोपेन ये यूजली होती है तो ये आपके क्लियर फ्लेम से जलते हैं कि नहीं एकदम ब्लू फ्लेम निकलती है लेकिन अगर आप वो काला काला दिख रहा है नीचे दैट मीन कि वो उसमें पूरा कंप्लीट कम्बशन नहीं हो रहा है ठीक है ये चीज़ आपको याद होना चाहिए और एक चीज़ कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड वाले ठीक है तो यहाँ पे आंसर ये पूछ रहा तो यहाँ पे मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ बिकॉज हाइड्रोकार्बन ये तो ठीक है हमारे एल्केन है एल्किन है एल्काइन है लेकिन हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं अब वो साइक्लिक साइकिल जो बन रही है वो एरोमेटिक है कि नहीं है एरोमेटिक में हम ऐसे गोला लगा देते हैं कि नहीं जब एलेवन्थ ट्वेल्थ में अगर आपने पढ़ा हो एरोमेटिक का मतलब होता है अरोमा स्मेल आ रही है अच्छी अच्छी कि नहीं आ रही है तो वो फोर एन प्लस टू फार्मूले से निकल के आता है और वो एरिक हकल ने दिया था ये फार्मूला एरिक हकल ने याद रखना एरिक हकल ने फार्मूला दिया था ठीक है और अगर एल्कीन एल्काइन की अगर बात करें तो इथाइलिन एक एल्कीन होती है जिसको फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी होता है जो कि एक गैसियस हार्मोन होता है जो प्लांट निकालता है जिसको कि हम बोलते हैं क्या इथाइलिन इससे हमें गैसियस इससे हमें हार्मोन्स की याद आनी चाहिए जो प्लांट में होते हैं कौन कौन से हार्मोन होते हैं एक तो जो ग्रोथ देते हैं एक ग्रोथ को ग्रोथ नहीं देते हैं जो ग्रोथ देते हैं उसमें आते हैं ऑक्सिन जो प्राइमरी हॉर्मोन फॉर फ्रोदी ग्रोथ साइटोकिनिन जो सेल ग्रोथ सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन दी प्लांट साइटो सेल किन डिवीजन होता है जिब्रेलिन जिब्रेलिन क्या होता है जी से जिब्रेलिन जी से आपका होगा जर्मिनेशन नेशन जर्मी नेशन फ्लावरिंग जो हो रही है प्लांट की वो इसी की वजह से आपकी होगी और लास्ट है आपका लास्ट नहीं है अब यहाँ पे जो नहीं करते हैं ग्रोथ में वो होते हैं आपके एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट एप्सिसिक एसिड एप्सिसिक एसिड वो होता है जो ग्रोथ को इनिबिट करता है प्लांट में ग्रोथ को इनिबिट करता है मारता है ग्रोथ को और इसी वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन और लास्ट है आपका इथाइलिन जो कि गैसियस हार्मोन है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प कर रहा है एक्चुअल में इथाइन अगर बात करें एसिटलिन की अगर बात करें तो इसको वेल्डिंग में यूज़ करते हैं एसिटलीन एक तरह की एल्काइन है इसको हम वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं

और कौन सी गैस को हम टायर्स में भरते हैं ठीक है यानी कि जो टायर्स होते हैं चिप्स पैकेट होते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें याद करो जल्दी से तो ट्राई क्लोरो मिथेन ट्राई क्लोरो सी सी एल थ्री ठीक है सी एच सी सी सॉरी सी एच सी एल थ्री बिकॉज यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चार होती है ना तो ये होता है आपका क्लोरोफॉर्म ऑप्शन नंबर सेकेंड एल पी जी सिलेंडर्स में यूजअली हमारी ब्यूटेन होती है और टायर्स और इसमें हम भरते हैं नाइट्रोजन को चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन को इसलिए भरते हैं ताकि रैंसिडिटी ना हो जाए रैंसिडिटी क्या होती है रैंसिडिटी होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है जो हमारे फैट प्रेजेंट होते हैं चिप्स में उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन तो वो रैंसिड अजीब सा फाउल स्मेल प्रोड्यूस करने लगते हैं टीयर गैस होती है हमारी क्लोरो, पिकरिन और भोपाल गैस ट्रैटडी में थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो कहां से निकली थी कौन सी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड थी क्वेश्चन आ चुके हैं कब 19 सेकेंड दिसंबर 1984। और इसी वजह से हम नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे भी मनाते हैं दो दिसंबर को उन्नीस आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन फॉर द यू इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एट फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है और जितनी चीज़ें हम बता सकते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित बताइए पिछले लेक्चर हम लोगों ने डीपली इसको किया था उन्होंने बोला भी था अब इसको हम डिस्कस नहीं करने वाले कभी इतना हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है ठीक है और आज का लेक्चर होता है यहाँ पर ख़त्म लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा एटलीस्ट फीडबैक तो दे ही दिया करिए है ना तो मुझे भी अच्छा लगता रहा है कि हाँ आज का लेक्चर कैसा लगा आपको और बेटर कर सकते हैं फिर क्या बेटर हो सकता है ठीक है थोड़ा सा कॉमेंट पढ़ के दिल को अच्छा लगता है तो फीडबैक दे दिया करो शेयर तो तुम करोगे नहीं मुझे पता है बाकी फीडबैक दे दिया करो लाइक तुम्हारी मर्जी है शेयर तुम करोगे नहीं कमेंट में बस फीडबैक दे दिया करो है ना वो इंपॉर्टेंट है पढ़ते रहें रिवाइज़ करते रहें बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस बनाए रखें मिलते हैं अगले लेक्चर में धन्यवाद